हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभी पीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इस सेशन में जो स्टूडेंट्स हैं हु आर प्रपेरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स लाइक सीडीएस हो गया एफ़ कैट हो गया कुछ स्टूडेंट्स थे जो एन डी ए की तैयारी कर रहे थे एन डी ए अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए देन दे डिसाइडेड कि लेट्स गो विद द सी डी एस जर्नी एफ कैट जर्नी से हमें अपना वो यूनिफॉर्म का जो डिज़ायर है उसको अचीव करना है राइट सो so, uh, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और एक चीज लेकर आ रहा हूं जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो और अच्छी बढ़ जाएगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी आप सिर्फ मेहनत करेंगे और आपके पास वो चीज जो जिसे कहते हैं जो यूनिफॉर्म uh, है वो सपना आपका पूरा हो पाएगा बस आपने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को ब्रॉडन अप करना है उसको थोड़ा सा होराइजन को बढ़ा बढ़ाना है राइट right? आजकल के स्टूडेंट्स को जैसे हम लोग काफ़ी वीडियोस uh, बनाते रहते हैं मिनटोर करते रहते हैं uh, uh, कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सी डी एस एंड एफ़केट एग्जामिनेशन राइट सो सी डी एस और एफ़केट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको uh, एक ऑप्शन अपने साथ और रखना चाहिए दैट ऑप्शन शुड बी दैट ऑप्शन शुड बी सी ए पी एफ़ कमांडेंट राइट right? मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का क्या रैंक होता है क्या उसको पावर मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है क्या बेनिफिट्स होते हैं क्या प्रोज होते हैं क्या कॉन्स होते हैं सो so, हर चीज़ के बारे में मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया हुआ है और आप उन वीडियोस को देख सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आ, उन वीडियोस को देख के उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्ट्रैटेजाइज किया कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक व्हाट आई एम सपोज टू डू राइट सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग सी लो और एफ की तो तैयारी कर रहे हैं राइट विदाउट एनी डाउट वी आर गोइंग टू वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम बट एट द सेम टाइम हम लोग ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ सी ए पी एफ सी इसकी भी तैयारी कर रहे करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं इस इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा और पहले भी मैंने कुछ कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर क्लियर किया है कि स्टूडेंट जो डिफेंस एस्पेरेंट है उसके लिए 360 डिग्री की सिक्योरिटी पता क्या होती है आजकल के टाइम पे दैट इज़ कि He should prepare for these exams, but also consider कि ये exam भी हमने target करना है ठीक है इन exams को clear करने का अपना process है इन इस exams को clear करने का अपना process है इसकी जो preparation है वो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ ओवरलैपिंग ये नहीं है कि कम्प्लीटली डिफरेंट है वो नॉर्थ में जाता है ये साउथ में जाता है ऐसा नहीं है राइट right? इनकी स्ट्रैटेजी में आप ओवरलैपिंग इनका जो सिलेबस है उसका बेनिफिट उठा के यहाँ से आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो राइट सो लेट्स बिगिन विद द सेशन तीन महीने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि अभी जितना भी स्टूडेंट होगा एस्परेंट होगा उसके लिए सामने दिख रहा होगा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम राइट right. सो so, इसके लिए तो लगभग लगभग तीन आ, मतलब महीने बचे हुए हैं मतलब 95 डेज 96 डेज इतना इतना जो है दिन बचा हुआ है विच इज अ डिसेंट यू नो टाइम पीरियड टू प्रिपेयर इट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अगर आप सी और एफ कैट में अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो लेकिन कोई स्टूडेंट है जो बोलता है कि मैं दो महीने तीन महीने में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाल लूंगा तो आप गलती कर रहे हो अगर आपका पहले कभी आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है इस एग्जाम के बारे में या कभी जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़ा है कभी मैथ्स रीजनिंग प्रॉपरली नहीं किया है तो आप इस एग्जाम्स में नहीं आप क्वालिफाई कर पाओगे इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेम अप्लाइज टू सी डी कैट ऑल्सो राइट सो चलो हम लोग आज बात करेंगे कि तीन महीने की जो स्ट्रैटेजी है वो उसके उसके अंदर हम लोग कैसे कैसे इसको कर सकते हैं राइट जस्ट अ सेकेंड ओके चलिए देखिए हाँ, अब लेट्स शॉक अबाउट द प्रोसेस प्रोसेस में क्या है कि जैसे आप सी में जाते हैं तो सी डी एस में यू हैव टू अपेयर फॉर द रिटर्न एग्जाम अब रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करें तो सी डी एस में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं मतलब मोटे तौर पर ओ टी ए और आई एम ए आई एम ए के साथ आपके एयरफोर्स अकेडमी आई एन ए भी आता है विच इज़ फॉर पर्मनेंट कमीशन ओ टी ए शॉर्ट सर्विस कमीशन है राइट ओ टी ए में दो एग्ज़ाम्स होंगे रिटर्न ओ टी ए में दो एग्ज़ाम्स आपके सामने होंगे एक होगा जनरल स्टडीज़ का एक होगा आपका इंग्लिश का ठीक है और आई एम ए में एक एग्जाम और इंक्लूड uh, हो जाता है दैट इज़ मैथमेटिक्स राइट सो यहाँ पे आप जब एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो यू हैव टू अपेयर फॉर द एस एस बी राइट एस एस बी में अपेयर होने के बाद अगर एस एस बी में रिकमेंड हो जाते हो तो उसके बाद आपको अपेयर करना पड़ता है मेडिकल के लिए राइट right? और मेडिकल में जब आप यू नो चौदह पंद्रह दिन का एक बहुत ही एडवांस मेडिकल चेकअप होता है और ये होने के बाद आप तब जाके अगर यहाँ पे आपका अगर नाम आ गया तो मेरिट लिस्ट में नाम आना मतलब यू आर नाउ जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम द अकेडमी फ्रॉम द अकेडमी चाहे वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है चाहे वो ओ टी ए है आई एम ए है ए एफ ए है वॉट एवर द अकेडमी जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है वो आपको शायद मिल जाएगी अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे सो so, मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी स्टेप नहीं है आप सीधा जाएंगे अकेडमी में या सीधा जाएंगे घर को सी ए पी एफ के अंदर क्या होता है सी ए पी एफ के अंदर रिटर्न एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम यहाँ पे दो होते हैं टू रिटर्न एग्जाम्स आर देयर और दोनों ही मैंनेट्री हैं यहाँ पे तो आपके सामने आई एम ए का ऑप्शन आपके सामने आ गया है ना आई एम ए का तो आई एम ए में तो तीन देने पड़ेंगे ओ टी ए में दो देने पड़ेंगे चार घंटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्स देने पड़ेंगे द फर्स्ट एग्जाम वी एज जनरल स्टडीज़ का एग्जाम ही होता है जिसमें आपके पास जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग मैथ्स भी होते हैं रीजनिंग मैथ्स भी होते हैं तो इसको हम लोग रीजनिंग प्लस मैथ्स भी होता है इसको हम लोग पेपर वन कह देते हैं और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं पेपर टू पेपर टू में क्या क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे इट इज़ ऑफ सब्जेक्टिव नेचर जहां पे आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट प्रेसे कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर ये सब चीज़ें जो है पेपर टू के अंदर आती है दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं फिर उसके बाद कट ऑफ जो होती है अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है सो देन योर नेम विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल्स एंड मेडिकल यहाँ पे क्या है एंड में फिजिकल मेडिकल है मेरिट से पहले राइट right? यहाँ पे पहले ही फिजिकल मेडिकल है अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बच्चे जो बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि सर मैं ना मेडिकल मेरे को डाउट है कि शायद मेरा नोकनी ना प्रॉब्लम हो शायद मेरी आईसाइट का प्रॉब्लम ना हो शायद मेरा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सा आ जाते हैं बीच में कि शायद मेरे को डाउट लग रहा है कि पूरा प्रॉपर है कि नहीं है है कि नहीं तो ये डाउट जो होता है ये जो डाउट है ये जो डेलीमा है ये डेलीमा अगर आपको है तो आप इस प्रोसेस के अंदर शायद आपको लगे कि आप निकल सकते हो क्यों मेडिकल के टाइम पे आप निकल सकते हो लेकिन अगर ये मेडिकल की बात करें ना सो देर इज़ अ डिफरेंस इस मेडिकल में और इस मेडिकल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों यूनिफॉर्म वाली हैं लेकिन ये मेडिकल जो होता है ये जो फिज़िकल होता है इट इज़ ऑफ इट इज़ ऑफ लीनियंट नेचर लीनियन मतलब जब तक कि आपको कोई बहुत बहुत ज़बरदस्त परेशानी नहीं है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रॉब्लम नहीं है तब तक तब तक जो है Uh, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा आपको टी आर दे दिया जाएगा टेम्प्रेरी रिजेक्शन टेम्प्रेरी रिजेक्शन लेकिन यहाँ पे बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे आप निकल सकते हैं आराम से अपना इंटरव्यू uh, uh, के लिए बैठ सकते हैं अगर फिजिकल मेडिकल ठीक ठीक कर लिया मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं इस सिचुएशन uh, में जहाँ पे लोगों के माइनस फोर बॉर्डर बॉर्डर लाइन आई साइड थी है ना मतलब मेरी नहीं थी लेकिन मैंने ऐसे अपने साथ में लोग देखे हैं जो माइनस फोर तक के उनकी आईसाइट थी लेकिन उनको भी पास कर दिया गया राइट तो ये पहले होता होगा आजकल के टाइम पर भी सख्त जो है वो किया गया है और जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं लेकिन फिर भी ये और ये जमीन आसमान के दिस इज वे लीनियन देन दिस मेडिकल होता है जो भी है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा ये जो इंटरव्यू है ना ये अलग इंटरव्यू है क्योंकि इट इज़ कंडक्टेड बाई यू यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है इस इंटरव्यू के अंदर चार लोग बैठे होते हैं जिसमें एक यूपीएससी पी एस सी का चेयरपर्सन होता है तीन जो होते हैं अलग अलग अपनी कैटेगरी के होते हैं यहाँ पे एसएसबी में तो इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट इट इज़ एस एस बी बोट अलाहाबाद बैंगलोर कपूरथला अलग अलग जो एस एस बी बोर्ड्स हैं वो होते हैं उसके बाद अल्टीमेटली आपका क्या बनता है मेरिट लिस्ट बनती है अगर मेरिट लिस्ट में इन हो तो वेरी वेरी गुड आउट हो तो यू हैव टू प्रिपेयर वन सेकेंड मैंने आपको मोटे तौर पे प्रोसेस बता दी अब ये जो जितना भी डिफेंस ट्रांसपरेंट है मुझे नहीं लगता कि उसको इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है उसको सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आएगी रिटर्न एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में रिटर्न को एग्जाम को क्वालिफाई करने में क्योंकि देखो रिटर्न है सबसे बड़ा जो फिल्टर होता है ना सबसे मोटा फिल्टर जो होता है वो रिटर्न ही होता है सबसे मोटा फिल्टर रिटर्न ही है यहीं पे सारी की सारी जनता छट जाती है अब देखो एक्चुअली मैं क्या है तो बाकी जगहों पे देखो बाकी जगहों के अपने-अपने मेरिट्स प्रॉस एंड कॉन्स हैं यहाँ पे CAPF के अंदर मैं बताता हूँ आपको CAPF के अंदर रिटन एग्जाम इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ठीक है CDS के अंदर रिटन इतना टफ नहीं होता SSB जो होती है वो भी टफ नहीं होती बट SSB जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है आपको नहीं पता होता कि क्या आप में प्रॉब्लम होगी है ना क्या किस वजह से निकाल दिया गया आपको बहुत प्यार से बोल दिया जाता है वी वॉन्ट यू टू परफॉर्म यू टू कम फॉर द नेक्स्ट एस एंड परफॉर्म बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटीज टू द नेक्स्ट एस दिस एस एस बी देर इज़ नो रिकमेंडेशन फॉर यू राइट इस तरीके से बोल दिया जाता है प्यार से तो एस एस बी इज़ बिट अनप्रिडिक्टेबल राइट इससे क्या होता है बच्चा ना अपना टाइम बड़ा वेस्ट कर देता है लेकिन वंस यू हैव क्लेयर द सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट रिटर्न एग्जाम विद गुड मार्क्स पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी मच हायर राइट क्योंकि फिजिकल मेडिकल कोई बड़ी बात नहीं होती ठीक है बस आपको गाइडेंस की जरूरत होती है मैंने स्टूडेंट्स को खुद डायरेक्टली अपने अंडर uh, जो है गाइड किया है क्योंकि आई वॉन्ट स्टूडेंट नॉट टू क्लियर जस्ट रिटर्न एग्जाम आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू सी देर नेम इन द मेरिट लेस क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के अंदर दो बार निकल चुका हूँ तो मेरे को ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है इस चीज़ की मेरे को वैल्यू होती है इस चीज़ की राइट right? तो अब ऐसा है कि इंटरव्यू uh, जो है इंटरव्यू इज़ आल्सो नॉट वेरी डिफ़िकल्ट ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के फंडामेंटल्स क्या होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट या यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें फंडामेंटल्स क्या है फंडामेंटल्स हमेशा इसके और इसके हमेशा सेम रहेंगे दैट अगर आप फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली टफ़ एंड स्ट्रांग आपकी अपनी आपकी पर्सनालिटी के अंदर लूप होल्स नहीं होने चाहिए राइट आप ऐसे चल रहे हो आप बोलते हो मैं एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन आपकी जो चाल है वो इस तरीके से झुक के चलने की है है कि नहीं वो वैसे ही पता लगा लेंगे आप कहते हैं मैं फिटनेस फ्रीक कूँ लेकिन पेट निकला हुआ है है ना आप कहते हैं कि सर मैं जो है डेली साइकिलिंग करता हूँ पर आपको टाइम नहीं पता कि कितने बजे आप साइकिल पकड़ते हैं उठाते हैं और निकल जाते हैं कहाँ जाते हैं ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो यहां पे आप ना फेक नहीं कर पाओगे राइट जो फेक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अब देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी डायरेक्टली एसोसिएटेड है अभी पीडिया के साथ इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर तो मैं उनको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो दीज पोजिशंस आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस आप गलती से अगर मान लीजिए मेहनत बगैर किए हुए अपनी पर्सनैलिटी को इस पोजिशन के साथ मैच बगैर किए हुए अगर बन जाओगे असिस्टेंट कमांडेंट या लेफ्टिनेंट तो वहाँ पे जस्टिस नहीं कर पाओगे और जब जस्टिस नहीं हो पाएगी तो फिर आगे जाके आपको बहुत परेशानियाँ होंगी और फिर आपको अल्टीमेटली यही लगेगा कि यार नौकरी छोड़ देते हैं पैसे तो बाहर भी कमा लेंगे राइट तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी राइट तो यहाँ से अभी जो जैसे मान लीजिए इंटरव्यू में स्टूडेंट्स एसोसिएटेड होते हैं एस में स्टूडेंट्स एसोसिएटेड है हमारे साथ तो उनको फंडामेंटल्स क्लियर किए तु� जाते हैं कि आप डेली कुछ ना कुछ आप चाहे जिस भी स्टेज पे हैं जिस भी स्टेज पे अगर आपका स्टैंडर्ड ये भी है ना दिस इज योर स्टैंडर्ड राइट एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इज टू बी एन ऑफिसर तो आपको जो है घबराना नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करनी है दिस इज माई स्टैंडर्ड ये मेरा स्टैंडर्ड है अंडरस्टूड अब मुझे डेली कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंज करना है फिजिकली एंड मेंटली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट आई डू This is what I uh, 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 suggest students and guide students that you have to challenge each day, every day mentally and physically. chalo तो ये तो हो गया इंटरव्यू के बाद, ठीक है? So आपने एक बार वर्टेन अच्छे से कर दिया, फिर बाकी जो है, it is just like a cake walk. You just need a proper guidance and that's it, बाकी खत्म बात, right? और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए मेरिट लिस्ट में यहाँ पर भी आना चाहिए और जो बेस्ट अप्रोच होती है डिफेंस एस्परेंट के लिए उसको क्या करना चाहिए उसको सी डी एस एंड सी दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि आई एम ए आई के लिए जो है वो तीन पेपर देने पड़ते हैं दैट इज़ इंग्लिश जी एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स राइट ये तीन पेपर हो गए ओटीए के लिए दो पेपर देने इंग्लिश एंड जी के राइट ओके और अब हम लोग बात करते हैं सी ए पी एफ ए के लिए कितने पेपर देने हैं है. एक पेपर वन होता है जिसमें आपके पास जनरल स्टडीज के सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं पेपर टू होता है जहां पे आपको जनरल स्टडीज के ही ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट पूछा जाएगा ग्रामर पूछा जाएगा प्रेसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया अब देखो अगर कोई बच्चा है जिसको एक्चुअली में तैयारी करनी है अब नेक्स्ट टारगेट मेरा सी का है राइट सी ए पी जैसे आप देंगे उसके बाद सी भी आ जाएगा उसके बाद एफ़ कैट भी आ जाएगा राइट तो अब आपने कैसे तैयारी करनी है सी की जो सी वाला बच्चा है देखो आपको पता है कि आपका जो आप आई के कैडिट होंगे आई के आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपने मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मैथमेटिक्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा राइट Claire हो गया ठीक है सो so, मैथ्स आपने पढ़ा होगा ठीक है उसके बाद आपने इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ी होगी ठीक है अब तीसरा है जनरल नॉलेज जीके या जनरल स्टडीज जो जनरल स्टडीज है उसको आपने क्या करना है एडवांस करना है एडवांस आपने पढ़नी है जो जनरल स्टडीज़ आप अपने इसमें पढ़ते हो ना सी uh, के अंदर पढ़ते हो एफ कैट के अंदर पढ़ते हो उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि आपको मैथमेटिक्स बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ता होगा राइट right? मतलब मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं ये सब इंग्लिश में भी आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्योंकि इन दोनों के अलग अलग पेपर हैं लेकिन अगर सी ए पी एफ़ की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग नहीं है पेपर वहाँ पर पे केवल एक पेपर है जहाँ पर जनरल स्टडीज़ का आपको पोर्शन आता है जनरल स्टडीज़ के सवाल पता है कितने आते हैं जनरल स्टडीज़ के सवाल आते हैं एक सौ पच्चीस क्वेश्चन होंगे ना वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे किसमें आपके पेपर वन ऑफ सी ए पी एफ में तो आपको लगभग लगभग हंड्रेड सवाल जो हैं हंड्रेड से हंड्रेड एंड टेन सवाल जी एस के पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ के और रेस्ट सवाल जो है मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं राइट right? तो यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे आपके पास जनरल स्टडीज़ पे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है मतलब उसके ऊपर ग्रिप पकड़ने की ज़रूरत ज़्यादा है राइट right? ताकि आप पेपर वन के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ सी ए पी एफ़ के अंदर जितना भी सी डी एस का है आप अब दिमाग से एक चीज़ पकड़ लो कि यार मेरे को ना अगर सी में अच्छे मार्क्स लाने हैं रिटर्न में मैंने बोला ये ही रिक्वायर्ड है रिटर्न में यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स तो उस सिचुएशन में यू हैव टू स्कोर बेस्ट इन द जनरल स्टडीज़ पेपर वन में बेस्ट परफॉर्म करना है पेपर वन में आपके पास जी के ही सौ सवाल पूछे जाते हैं तो जी आपको एडवांस करनी है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अच्छी बात है करते रहिए सेल्फ स्टडी में जो एन हैं छठी से लेकर कर बारहवीं तक सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक उनको अच्छे से पढ़ लो उनको देख लो कैसे कैसे क्या 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 क्या, क्या चीज़ें हैं जो मेरे रेलिवेंट है उनको अच्छे से पढ़ लो और दो तीन किताबें जो है रेफरेंस बुक्स पढ़ लो दैट इज वॉट सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज फॉर सी ए पी एफ ऑल्सो राइट एंड आपके पास ना एडेड एडवांटेज भी है एक ये तो ठीक है आपने जी एस ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं आपने तो सी डी एस की तैयारी की है तो जी एस पढ़ा ही होगा बस उसको जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देना और इम्प्रूव कैसे होगा सोर्सेस क्या होंगे इंप्रूवमेंट जो अभी मैंने आपको बताया एन क्या एन सी एन अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी जो है हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी आप ले सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू तो एन से अपने आप को एडवांस बना लो बोलोगे कि ये एन तो बेसिक होती है एन बेसिक उनको लगती है जो लोग पढ़ते हैं उनको एक बार ठीक है बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स उनको पढ़ोगे यू विल रियलाइज दैट कुछ तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता है राइट right? तो यहाँ पे आपके पास ना ये तो छो समझ आ गया अब मैं आपको एडेड एडवांटेज देता हूँ बताता हूँ देखो ये सौ सवाल या एक सौ दस सवाल आते हैं जी एस के बाकी कितने सवाल रह गए बाकी या तो पच्चीस क्वेश्चन या फिर पंद्रह क्वेश्चन पच्चीस से पंद्रह सवाल जो है ये मैथ्स के एंड रीजनिंग के आते हैं और जिस बच्चे ने मैथ्स अच्छे से कर लिया उसका रीजनिंग भी स्ट्रांग होता ही है और बेसिक सवाल होते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग ये 25 से 15 15 से 25 सवाल जो होते हैं ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हो यहाँ पे तो मान लीजिए 25 सवाल है 25 में से आपने आ, 22 सवाल भी कर दिए तो 22 में 44 नंबर आपके बन जाएंगे पेपर वन के 44 मार्क्स जो होंगे वो सिर्फ मैथ्स मैथ्स या रीजनिंग के आप ले लेंगे मैथ्स रीजनिंग के ठीक है बाकी इन सौ सवालों में से ये जो हंड्रेड क्वेश्चन है हंड्रेड क्वेश्चन में से आपने मतलब दो सौ सवा दो सौ मार्क्स में से आपने सौ नंबर लेने हैं सिर्फ हंड्रेड मार्क्स अगर हंड्रेड मार्क्स आपने दो सौ में से ले लिए फिफ्टी परसेंट और आपने मैथ्स रीजनिंग के सॉल्व करके चालीस नंबर भी ले लिए एक सौ चालीस आपके मार्क्स आ जाएंगे आपकी कट ऑफ हंड्रेड परसेंट पार होएगी ज़्यादा से ज़्यादा 120, 122, 115 इतना इतना कट ऑफ जाता है अगर वैकेंसीज़ इस बार अच्छी हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी ऐसा आ, ल, है ऑब्वियसली लेकिन आपको मार्क्स तो ज़्यादा लाने पड़ेंगे विदाउट एनी डाउट राइट हो गया ठीक है सो अब जनरल स्टडीज़ आपका क्लियर हो गया जनरल स्टडीज़ आपको थोड़ी एडवांस करनी पड़ेगी नंबर टू इज़ एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाएगा कि मैथ्स और इंग्लिश जो है मैथ्स जो है आपके लिए बेनिफिट करेगा क्योंकि आप 25 सवाल 15 से 25 सवाल जो है पूछे जाते हैं मैथ्स के और रीजनिंग के तो आप आराम से यहाँ पे स्कोर अच्छा कर सकते हैं आप बोलेंगे इंग्लिश का, का काम क्या है जो इंग्लिश सीडियस की इंग्लिश है वो एक कंप्लीट अलग से पेपर आता है तो इंग्लिश कैसे मेरे को हेल्प करेगी देखो इंग्लिश आपकी पेपर आ, ये जो इंग्लिश है ये ज़रूर आपकी मदद करेगी कैसे मैं बता देता हूँ बड़ा सिंपल है कि देखो आपके सामने आ, पेपर टू जो है पेपर टू वो जो पेपर टू है आपके सामने सी का वो आता है विच इज ऑफ सब्जेक्टिव इन नेचर सब्जेक्टिव इन नेचर अब देखिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर है यहां पे आपके पास में जनरल स्टडीज के सवाल आते हैं और आपके पास ग्रामर प्रेसिक कॉम्प्रीहेंशन आता है तो जो ग्रामर प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन है जिस बच्चे ने सी डी एस की इंग्लिश पढ़ी है वो उस ग्रामर को उस प्रेसी को उस कॉम्प्रीहेंशन को स्कोर कर सकता है एक्सेलेंट एक्सेलेंट नहीं तो वेरी गुड तो स्कोर कर ही लेगा क्योंकि उसने सी डी एस की इंग्लिश पढ़ी है और बाकी जो कंटेंट है वो बाकी कंटेंट उसको पढ़ना आ, वो एडिटोरियल्स देख सकता है वो योजना कुरुक्षेत्र देख सकता है राज्यसभा न्यूज़पेपर ये सब कंटेंट भी पढ़ सकता है वो अपने बाकी उस कंटेंट को बनाने के लिए लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि पेपर जो सीरियस और एफकाट का एक्सपेरेंट होता है ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है उसको वो पेपर टू के अंदर आती है पेपर टू के अंदर मैंने पेपर टू की ना बहुत सारी वीडियोस बनाई है ताकि बच्चा ना सेल्फ स्टडी करके ही पेपर टू को निकाल ले राइट पेपर वन में तो चलो वो सेल्फ स्टडी कर ही रहा है लेकिन पेपर टू को अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत पहले वीडियोस बना रखी हैं पास्ट में मैंने बनाई हुई है लेकिन फिर भी मेरे को कॉल पे कॉल आती हैं स्टूडेंट्स का मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ये जो पेपर टू है इसकी अभी भी दिक्कत आ रही है वो जो योजना कुरुक्षेत्र राज्यसभा न्यूज़पेपर एडिटोरियल ये सारी जो मैगजीन्स है और और भी बहुत सारी मैगजीन सर हम लोग कर रहे हैं लेकिन इट इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा टाइम लग रहा है तो कोई है इसका तरीका तो वो तरीका जो है हम लोग आपके लिए लेकर आए पेपर टू के लिए और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला राइट कि पेपर टू का हमारा ये जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना इस फैकल्टी के साथ आपको कहीं और नहीं मिलेगा बिकॉज हर फैकल्टी एक यू बैकग्राउंड की है मतलब मेरे को तो शर्म आ रही है जब ये लाइक मैं इनके बारे में बता रहा हूँ बिकॉज आप एक्सपीरियंसेस देखेंगे एक क्लास अटेंड करेंगे यू विल बी ऑल सरप्राइज कि इस तरीके की फैकल्टी आपके लिए आ रही है विद वेरी वेरी मिनिमम प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस आपको दिख रहा है कंप्लीट लाइफ कोर्स है इस लाइफ कोर्स के अंदर आपको 150 फिफ्टी प्लस लेक्चर्स मिल रहे हैं अब 150 फिफ्टी प्लस लेक्चर्स जो है आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 150 फिफ्टी प्लस लेक्चर्स मतलब आगे अपकमिंग लेक्चर्स है ऐसा नहीं है कि आपको डेढ़ सौ लेक्चर रिकॉर्डेड दे रहे हैं इट इज़ ऑल लाइव लेक्चर्स आपको उनकी पी मिल जाती है पीडीएफ के साथ एक्स्ट्रा इशू एनालिसिस के आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड ऑब्वियसली यू गेट द टेस्ट सीरीज आल्सो जिससे टेस्ट सीरीज आप लिखेंगे और चेक करा देंगे अपलोड कर देंगे हम उसी डैशबोर्ड के अंदर और आराम से आप जो है एक्सेस कर सकते हो इस कोर्स को विद बेस्ट द फैकल्टी बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज यहाँ पे अभी भी दो टीचर्स मिसिंग है जतिन सर एंड निहारिका मैम सो so वो लोग भी इसी का पार्ट है जहां पे दे विल बी टीचिंग यू ग्रामर एंड प्रेसिक कॉम्प्रीहशन राइट सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर द पेपर टू पेपर वन के लिए डू योर सेल्फ स्टडी कोई दिक्कत आती है डायरेक्टली कॉल टू अस बट पेपर टू के लिए यू नीड गाइडेंस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और वो उसका आउटपुट नहीं आएगा ठीक है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता ठीक है तो इसीलिए आपके लिए पेपर टू के लिए हम लोग ये चीज़ लेकर आ रहे हैं राइट right? तो ये क्लियर हो गया दूसरी बात क्या है दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो डेफ़िनेटली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए वी वुड लव टू हेल्प यू ऑल और डेली क्लासेस होती हैं इस पेपर टू की दैट इज़ 545 पे पाँच पैंतालीस पे डेली क्लास होती है कहाँ पे क्लास होती है हफ्ते में एक दिन हम लोग यूट्यूब पे देते हैं बाकी सारी क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं हमारे अभिपीडिया पोर्टल अभी पीडिया पोर्टल पे प्लेटफॉर्म पे अंडरस्टैंड सभी प्लेटफॉर्म पे आप कैसे एक्सेस करेंगे आप सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द सेवन डेज फ्री ट्रायल हाँ तो यहाँ पे सात दिन का फ्री ट्रायल भी आपको मिल जाएगा अंडरस्टूड हो गया चलो क्लियर सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास आई होप यू एंजॉय दिस सेशन कंक्लूजन में यही बता देता हूँ कि सी डी एस वाला एफकेट वाला बिल्कुल भी घबराओ मत सी का जो लेवल है सिर्फ और सिर्फ Uh, दो लेवल uh, जो है वो अच्छा है रिटर्न के अंदर ही एक बार रिटर्न क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट इज योर केक वॉक ओनली सिर्फ केक वॉक रहेगी राइट और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने सी ए पी एफ भी निकाला है और सी डी एस के अंदर भी उनकी एंट्री हो गई देन दे डिसाइडेड कि कौन सी चूज़ कर लूँ दोनों ही ऑफिसर हैं कौन सी चूज़ करूँगा तो दोनों का मतलब अपना अपना प्रॉज एंड कॉन्स है वो आप वो आपके ऊपर है लेकिन कंक्लूजन में मैं इतना ही बता दूंगा जितना भी सीरियस का एस्परेंट है वो जनरल स्टडीज एडवांस लेवल पे कर ले और जो पेपर टू की तैयारी है वो अभी पीडिया के साथ जुड़ के कर ले या आ, आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट एंड कोई डाउट रहेगा तो डायरेक्टली कॉल कीजिएगा ठीक है सो सी यू थैंक यू